ओम शांति मीठे बच्चे, आज की मुरली 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, प्रातः मुरली, रिवाइज 31 दिसंबर 1995, मधुबन। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्रछाया और प्यार की अनुभूति करो। आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नव युग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना? चाहे नंबरवार हैं, फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना कि शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ है, इसलिए कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। डायमंड जुबली है, तो जुबली में क्या होता है? क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना? वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। तो मनाना अर्थात बनना, तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पद्मगुना डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी, चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना? अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है, तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे? इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है, तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। अगर कोई विजी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजी हूं, तो कोई मानेगा नहीं? तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के,
चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है? यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। तो बाप दादा कहते हैं, चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसा नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो। कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है। तो भूलना चाहते हैं, लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं, अच्छा अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते भी हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो, क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो, तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? देखो किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि यह ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा, आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है। अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन? फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो, तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होगी हाँ? उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा, आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी,
ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्रछाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्रछाया बनाना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारिया अटल रही। प्रैक्टिकल में बेगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्रछाया रही ना। कोई नुकसान हुआ? जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए, और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था, और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्रछाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्रछाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ से थक जाते हो ना। जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता, फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है, क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने के शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, और दूसरा मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाँ जी में होशियार हैं। ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे, और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है? 63 जन्म इस शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा।
जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं, जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसीलिए परम आत्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है, तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना? तो आप भी ऐसे करो, बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो। 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी होना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना? अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले मायाजीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगमयुगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त तनशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त तनशीन रहते हैं, वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त तनशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त तनशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त तनशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। स्लोगन बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते।